बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे और इस कहानी का शीर्षक है दो सिर वाला चूल्हा। अब चूल्हा कौन होता है आपको पता है ना, वो जो कपड़े की वीविंग करता है, बुनता है उसको, वो ठीक है। तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत पहले की बात है, एक चूल्हा था, उसकी जो मशीन थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, मतलब वो जितने भी पुर्जे थे उसमें वो सारे लकड़ी के थे। तो एक दिन कुछ यूँ हुआ कि जहाँ वो रहता था वहाँ झमाझम बारिश हो गई और पूरे उसके घर में पानी भर गया। अब आम सी बात है, लकड़ी की मशीन थी, ख़राब हो गई। अब ये बेचारा क्या करता है, ये घने वन में जाता है, जंगल में जाता है और वहाँ जाके वो लकड़ी ढूंढता है अपनी मशीन के लिए, जो परफेक्ट हो, जो एकदम बढ़िया हो। ऐसे घूमता है, पूरा वन उसने घूम लिया, उसने देख लिया, ढूंढ लिया, पर उसको सिर्फ एक पेड़ मिला बहुत देर के बाद। वो उस पेड़ के ऊपर बस उसको काटने ही वाला था कि उस पेड़ का देवता प्रकट होता है और बोलता है कि जुलाहा तुम मुझे मत काटो। फिर जुलाहा बोलता है कि ये इकलौता पेड़ है जिसे जिसकी लकड़ी मेरे मशीन के लिए एकदम उचित है, एकदम परफेक्ट है, तो मुझे कुछ भी करके ये काटना ही पड़ेगा। तो वो पेड़ के देवता बोलते हैं कि मत काटो, क्योंकि अगर तुम नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। पर उसने बोला वरदान मांगने के पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम काटना क्यों चाहते हो पेड़ को। तो जुल्हा बोलता है कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है और अगर मैंने अपनी मशीन को ठीक नहीं किया मैं कपड़े बना नहीं सकूँगा, और अगर मैं कपड़े नहीं बना सकूँगा मैं पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे परिवार भूखा प्यासा मर जाएगा। तो वो जो देवता थे वो प्रसन्न हुए सुन के कि मेहनती है, अच्छा काम करेगा, अच्छा है। तो उसने बोला, देवता ने पूछा उसको, तो मांगो जो वरदान मांगना है, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुआ। तो चूल्हा बोलता है मुझे 2 दिन का समय चाहिए, मैं अपने मित्र और अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ तो मैं बताता हूँ। तो देवता ने बोला ठीक है, 2 दिन बाद तुम आना मेरे पास, तब मैं तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं उसको सच कर दूँगा। तो ये कह के जाता है चूल्हा रास्ते में। अब रास्ते में उसको वो मित्र मिल जाता है जिसकी उसने पहले बात करी थी। तो उसने अपने मित्र को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे देवता मिले तो मुझे मौका मिला है उनसे एक वरदान मांगने का, तो मैं क्या मांगूँ। तो उनके मित्र कहते हैं कि देख तू ना राज्य मांग ले, तो वहाँ का राजा तू, वहाँ का मंत्री मैं, ठीक है, और एकदम मजे से जाएगी अपनी लाइफ। तो ये सुन के चूल्हा बड़ा खुश होता है। उसने बोला अपने मित्र को कि चलो मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अपनी वाइफ से भी पूछ लेता हूँ, पत्नी से भी पूछ लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या वरदान मांगूँ। तो वो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को वरदान के बारे में और अपने मित्र के बारे में बताता है कि मित्र ने क्या आइडिया दिया है, क्या मांगने के लिए कहा है। तो उसकी पत्नी कहती है नहीं नहीं राज्य मत मांगना, अगर तुम राजा बन जाओगे तो तुम्हें पूरी प्रजा की देखरेख करनी पड़ेगी और बहुत काम हो जाएगा तुम्हें, तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी जो आराम की ज़िंदगी है वो चली जाएगी और तुम्हारी चिंता से भर जाएगी जीवन। तो चूल्हा बोलता है हाँ ये भी बात सही है कि जब उच्च पद में होऊंगा मैं तो काम तो ज़्यादा होगा। तो वो पूछता है तो फिर मैं क्या वरदान मांगूँ। तो पत्नी बोलती है कि आप ना एक काम करो, आप जब 2 हाथों से दिन में इतने रुपए कमा लेते हो तो सोचो अगर आपके पास 4 हाथ होंगे और 2 सिर होंगे तो आप इसके दोगुना कमा सकोगे। तो चूल्हा ने फाइनल कर लिया, ये पक्का कर लिया कि वो 2 सिर और 4 हाथ का वरदान मांगेगा। वो तीसरे दिन यानी कि 2 दिन बाद वो वापस जाता है देवता के पास और कहता है कि हे देव, मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 सिर हो जाए, 4 हाथ हो जाए, ताकि मैं जो अभी मेरी रफ्तार है मैं उससे दुगनी रफ्तार कर सकूँ, और जो अभी मेरी अर्निंग है जो मैं अभी कमा रहा हूँ मैं उसका दुगुना कमा सकूँ। तो देवता ने वरदान दे दिया। अब वो वापस घर की तरफ जाने लगा, अब उसके 2 सिर हैं और 4 हाथ हैं। अब हुआ यूँ कि रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे ने देखा, वो सारे बच्चों ने सोचा कि ये तो राक्षस है, वे लोग चीखने चिल्लाने लग गए और घर की तरफ भागने लग गए
अब जब वे लोग घर की तरफ चीखते चीखते भागे तो वहाँ गांव में जो लोग थे वो बाहर निकले, उन्होंने देखा, अब वो भी डर गए, तो उन लोगों ने अपने हथियार से इसकी हत्या कर दी राक्षस समझ के। अब ये शोरगुल सुनते सुनते उसकी पत्नी को पता लग गया, तो वो आई देखती है, अरे ये तो मर गई 2 से 4 हाथ। तो अंत में हम बस इतना जो शिक्षा मिलती है इस कहानी से वो ये है कि कभी भी कोई भी काम करो तो उसके पहले सोचो समझो कि उसके हानि क्या है, उसकी लाभ क्या है, उसके बारे में सोचो, चिंतन करो और फिर ही कोई निर्णय लो। इसके साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगले थर्सडे। धन्यवाद।